सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल 3DSquare में। और मैं आज लेकर आ चुका हूँ एकदम नया सेटअप बॉक्स, जिसकी करने वाले अनबॉक्सिंग करेंगे। और इसमें सब कुछ मिलेगा, YouTube मिलेगा, IPTV मिलेगा, सब कुछ इस सेटअप बॉक्स में मिलता है। और क्या क्या मिलेगा इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल 3DSquare को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नीचे में लाल चर का सब्सक्राइब का बटन होगा, बटन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल और ऑल सिलेक्ट करना ना भूले। इससे ये होगा हमारे जितने भी DTS से और सेटअप बॉक्स से रिलेटेड वीडियो आएगा आपको मिलते रहेगा। तो ऐसी नए नए सेटअप बॉक्स मैं आपके लिए रिव्यू और अनबॉक्सिंग करते रहता हूँ। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ एकदम नया सेटअप बॉक्स। तो चले फटाफट से कर लेते हैं इसकी सेटअप बॉक्स की अनबॉक्सिंग। और ये फुल HD वाला सेटअप बॉक्स है और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग की ओर। बॉक्स के पास में हम आ चुके हैं और इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसको हम खोल के देखते हैं कैसा है सेटअप बॉक्स और कौन सा सेटअप बॉक्स है। कंप्लीट देखिएगा, हम कंप्लीट आपको बताएंगे। तो आपके सामने में हम लाइव यहां अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारा नया सेटअप बॉक्स आ चुका है, सॉलिड HD-S2 2100 DLX डिजिटल सेटअप बॉक्स है। और ये फुल HD को सपोर्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फुल HD को सपोर्ट करता है, 1080 पिक्सल। देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चलेगा। तो यहाँ पे दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे IPTV चलेगा, यहाँ पे IPTV दिया हुआ है, YouTube दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे वाईफाई दिखा रहा है, वाईफाई से चलेगा, YouTube चलेगा, IPTV चलेगा और DLNA भी चलेगा और AC-DC 12 वोल्ट्स चलेगा। यहाँ पे DD-FreeDish के सारे TV चैनल चलेंगे और FreeDish में जितने TV चैनल चलते हैं और अदर सैटेलाइट के भी सैटेलाइट चलेंगे। यहाँ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेयर दिया है, ये अच्छा फ्यूचर से वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेयर यानी मोबाइल से आप कास्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे PVR दिया है, ये सेटअप बॉक्स का लोगो यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है, सेटअप बॉक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20fps करेगा, सपोर्टेड है, HDMI को सपोर्टेड है, USB मिलेगा आपको और उसके बाद 1GB DDR है, 4000 चैनल का कैपेसिटी दिखा रहा है। उसके बाद पेरेंटल लॉक मिल जाता है, फुल HD लिखा हुआ है, PVR है, HD है, DVM-S2 को सपोर्ट। यहाँ पे बॉक्स की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्ले ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो ऑन योर TV, यानी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन भी वीडियो देख सकते हैं। नो नीड फॉर इंटरनेट लिखा हुआ है, आप मोबाइल के साथ या मोबाइल को वाईफाई कनेक्ट करके अपने सेटअप बॉक्स के जरिए आप अपने TV स्क्रीन में देख सकते हैं। और बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे स्कैन QR कोड स्कैन करके भी डाउनलोड करके iOS और Android पे भी उपलब्ध है, यानी ये फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और इस बॉक्स में फ्यूचर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, सपोर्टेड है। तो चलिए इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। ये हमारा मेन सेटअप बॉक्स सॉलिड का HD-S2 2100 DLX। तो ये खुल गया गाइस, पहले ही जैसे ही खोलेंगे तो हमें मिल जाता है प्यारा सा एकदम जबरदस्त HDMI पोर्ट, जिसमें हम वॉल वाले टीवी में लगा के देख सकते हैं, दीवार वाले टीवी में लगाने के लिए मिलता है HDMI पोर्ट बोलते हैं, ये नॉर्मल टीवी में नहीं लगता है। उसके बाद में यहाँ पे रिमोट देख सकते हैं, सॉलिड का एकदम प्यारा सा स्लिम सा लुक में और काफ़ी अच्छी लुक में मिल रहा है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे दिखा देते हैं इसको खोल के भी। वाओ गाइस, देख सकते हैं प्यारा सा स्लीम सा, काफ़ी खूबसूरत सा और काफ़ी स्मूथ सा रिमोट मिलता है सॉलिड का। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे हमें मिल जाता है एडाप्टर मिल जाता है, देख सकते हैं 12 वोल्ट का एडाप्टर मिलता है, AC एडाप्टर है, देख सकते हैं एडाप्टर मिलता है, एडाप्टर क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ सॉलिड की भी लिखा हुआ है, ब्रांडिंग है। और सॉलिड के जितने भी बॉक्स आते हैं काफ़ी अच्छे बॉक्स होते हैं। तो हम चलिए मेन यूनिट हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग।
तो देखने में कैसा दिखता है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे मेन यूनिट को खोल दिया है। देख लीजिए आगे की लुक से यहाँ पे सॉलिड HDS2 2100 DLX लिखा हुआ है आगे की पैनल में, और यहाँ पे पावर ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ चैनल अप डाउन का दिया है, प्लस माइनस बटन दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं USB का पोर्ट दिया है यहाँ पे, और एक इस तरह से है, और ये मेटल बॉडी में आता है। यहाँ पे एयर वेंटिलेशन का दिया है, जब मशीन हीट होगा तो यहाँ से एयर पास करेगा। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें LNB IN का एक पोर्ट मिल जाता है, उसके बाद USB 2.0 यानी यहाँ पे एक USB का दिया हुआ है और एक स्लॉट आगे है, यानी दो USB मिल जाता है सॉलिड 2100 DLX मॉडल में। उसके बाद यहाँ पे LNB, यहाँ पे जो है आपका ऑडियो वीडियो लीड का मिल जाता है, पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे 12V DC एडाप्टर लगा सकते हैं, ये एडाप्टर को यहाँ लगाना होता है, और यहाँ पे भी वेंटिलेशन दिया है। और बैक साइड में बात करें तो यहाँ पे भी वेंटिलेशन दिया गया है। तो मैं अगली वीडियो में इसको TV में लगा के पूरी इंस्टॉलेशन करके कंप्लीट सेटिंग दिखाने वाला हूँ, और इसमें क्या क्या वर्किंग है सारे जानकारी देने वाला हूँ। तो आपने अभी तक हमारे 3D Scare YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो अगली Part 2 वीडियो देखने के लिए हमारे 3D Scare चैनल में जरूर से विजिट करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।